दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसे सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है हमारे बायोलेक्सिस के प्रोडक्ट से। तो आइए जानते हैं उनकी जुबानी कि किस तरीके से उनको लाभ हुआ है। लीजिए नमस्कार। आप अपना परिचय देंगी और आपको क्या क्या समस्याएं थी वो बताएंगे। गिरभोर के रहने वाले हूँ, मंडोलिया रात्रे मोर नाम है। और मैं बहुत तरीके से एकदम बहुत सीरियस बीमार रही हूँ। तब मैं कम से कम 4 लाख पैसे लगे होता नहीं, मगर कोई मोला राहत नहीं मिली। रायपुर भी गए हूँ, बड़ौदा बाजार भी गए हूँ, अस्पताल पलारी भी गए हूँ। और सब अस्पताल में हाँ सीधी एक्शन भी करवाए हूँ, अक्सरा करवाए हूँ और सोनोग्राफी भी करवाए हूँ। तो पर भी मोला कुछ राहत नहीं मिली। जो इतना दवाई पानी अधिक खाए हूँ और मोला ना सीना के दर्द भी से तो फेफड़ा में थोड़ा तो हार्ट के बीमारी ऐसे के डॉक्टर साहब मन बोली से सीधी एक्शन करवा रही हूँ। ओकर बाद में मोला ना सीना दर्द अधिक रहा है, आगे वगे से भी सेकाई करत रहा, तो कुछ राहत मिलल। ओकर बाद में ना बहुत मोला खर्चा ऐसे मैंने 4 लाख में पैसा लगा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। ओकर बाद में मोर एक जो चाचा के लड़का है भाई मोर, वो भाई है मोला राहत दैसे कि ये दवाई ला, ये सिरप ला पी के देख तो दीदी ऐसे के ना। तब ये सिरप ला मोला मोर भाई दी सी मोला, तब मैं एला पिए हूँ तब मोला इतना मोला राहत मिली से, बहुत राहत मिली से। और उसका दवाई में ना मैं ठीक नहीं होया। और एला मैं हाँ कम से कम 2 शीशी पिए ना तब मोर बिल्कुल मोल तंदुरुस्त है, मोला ताकत आ गई। ताकत के बाद में ना मोला धीरे धीरे बहुत सक्सेस हुई से मोर शरीर बहुत घट गई रही, एकदम घट गई रही से मोर शरीर है। और मैं एकदम कमजोर हो गई हूँ। ये मन ला उपयोग करो दीदी हो, अतकपन मैं 4 लाख पैसा लगा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी हूँ। ओकर बाद में दवाई के उपयोग में मोला इतना राहत मिले है, मैं कोई आदमी मोला ना सलाह नहीं देवे कि नहीं ये बची ऐसे के मोला बार बार ना सब संदेश कहा है बिचारी बिचारा मन है। ओकर बाद में एला मैं उपयोग के बारे में ये लोग पूरा खाए हैं, ये दवाई पानी लगी 4 डब्बा में मोला इतना तंदुरुस्त हो गया जिसमें बहुत तंदुरुस्त मोर मिल गए है, अच्छा हो गए हमें। तो आपने सुना दीदी की जुबानी, इस बेहतरीन प्रोडक्ट के द्वारा जो है दीदी जी को बहुत राहत मिला है उनके स्वास्थ्य में। मैं आपको और बताना चाहूँगी दीदी के बारे में, इनकी एज अभी 68-69 की है लगभग। और दीदी को बीपी शुगर की भी समस्याएं थी और खाना बिल्कुल खिलाता नहीं था करके बोलती थी। और जब इलाज के लिए ले जाया गया, जब उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, अचानक बोलती थी सीने में दर्द हो रहा है और रात को उठकर मतलब वो सो ही नहीं पाती थी, उठ कट के बैठे रहती थी। और फिर उनके जो है सिकाई वगैरह सब किया जाता था और बहुत ज़्यादा परेशान थे घर के लोग। जब चेक वगैरह करवाए, सब जांच परख करवाए तो बताया गया कि इनके किडनी में भी समस्या है, हार्ट में भी समस्या है और फेफड़े में भी समस्या है, जिनके वजह से जो है इनको बीच बीच में दौरे के जैसा जो है वो दर्द उठता था सीने में। और आप स्वयं उनकी जुबानी सुन चुके हैं कि एलेक्सिस ओमेगा जूस का इस्तेमाल करने से और डाइबो का इस्तेमाल करने से आज वो पूर्णतः जो है बेहतरीन फील कर रही हैं और स्वस्थ महसूस कर रही हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं, हालांकि मैं बताना चाहूँगी कि ओमेगा री जूस जो है वो किसी बीमारी के लिए बना नहीं है एक्चुअली, बट जो है लोग जब अपने दवाइयों के साथ, एलोपैथिक दवाइयों के साथ या प्रिकॉशन के साथ जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं लगातार, क्योंकि 190 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें शामिल है।
और कहीं ना कहीं बॉडी में जो भी डिफिकल्टीज आती, जो समस्याएं आती है, वो आखिर इन्हीं 190 प्रकार के जो तत्व है उन्हीं में से किसी तत्व की कमी के वजह से ही वो समस्याएं उभर के आती है। ये जो पोषक तत्व की कमी ओमेगा री जूस के द्वारा जब कंप्लीट हो जाता है तो वो फुलफिल हो जाता है और फिर वो समस्या अपने आप शरीर से दूर हो जाता है। सो थैंक यू बायोलैक्सिस।